ऑलराइट, सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज अजय शिंदे बैक इनटू द गेम विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों फाइनली हमारे पास आ गई है फायरबोल्ट की रिंग प्लस स्मार्ट वॉच, और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसका फुल डिटेल रिव्यू। और आज के इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे बॉक्स का ओवरव्यू। बॉक्स ओवरव्यू की अगर बात करें तो फ्रंट में ही फायरबोल्ट रिंग प्लस का एक्चुअल इमेज जो है वो देखने को मिल जाता है, फुल टच स्मार्ट वॉच। राइट साइड में 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड, IP67 वाटरप्रूफ, स्लीप मॉनिटरिंग, लिसन टू म्यूजिक ऑन द वॉच। लेफ्ट साइड में ब्लूटूथ कॉलिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, और बैक साइड में यहाँ पर हमें कई सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं बॉक्स कंटेंट्स की, तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाती है हमारी स्मार्ट वॉच, यूजर मैनुअल, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, गाना का सब्सक्रिप्शन, बुक माई शो का वाउचर और वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड हमें देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं बिल्ड और डिजाइन की, तो यहाँ पर हमें मेटेलिक फ्रेम जो है वो देखने को मिल जाता है, सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप्स हमें देखने को मिल जाते हैं, मेटेलिक बकल दिया गया है और ये जो स्ट्रैप्स है वो रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स होने वाले हैं। बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ग्लास फिनिश में बॉडी जो है वो देखने को मिल जाती है, यहाँ पर हम सेंसर्स देख सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। राइट साइड में यहाँ पर हमें माइक देखने को मिल जाता है और दूसरी साइड यहाँ पर हमें स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बिल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें काफी अच्छी प्रीमियम बिल्ड जो है वो देखने को मिल जाती है। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें 1.91 इंचेस का LCD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्री लीडिंग यहाँ पर हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी बढ़िया है, साथ ही साथ रेस्ट टू वेक का रिस्पॉन्स भी हमें काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो अभी देखते हैं फटाफट से इस पूरी स्मार्ट वॉच का यूजर इंटरफेस। बात करते हैं वॉच UI की, तो जैसे ही आप टच और होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपको वॉच फेसेस के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आप कस्टम वॉच फेसेस भी सेट कर सकते हो। ऊपर से नीचे स्वाइप करते यहाँ पर आपको पूरा कंट्रोल सेंटर जो है वो देखने को मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब, ब्राइटनेस, टाइमर, कैमरा कंट्रोल, फोन कनेक्शन ऑन ऑफ और सेटिंग्स के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में ब्राइटनेस, ऑटो स्लीप यहाँ पर आपको 30 सेकंड्स का देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वॉच फेसेस मेन्यू व्यू में यहाँ पर आपको हनीकॉम और लिस्ट व्यू देखने को मिल जाता है। उसी के नीचे डू नॉट डिस्टर्ब, वाइब्रेशन ऑन ऑफ, लो पावर मोड, फोन कॉल, फोन रीसेट सिस्टम में यहाँ पर आपको रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको अबाउट के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट से राइट स्वाइप करते यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाता है, और राइट से लेफ्ट स्वाइप करते यहाँ पर आपकी एक्टिविटी ट्रैकिंग जो है वो की जाएगी। उसी के साथ और लेफ्ट स्वाइप करते ही यहाँ पर आपको स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्ट, फोन कनेक्शन और फोन कॉल्स के ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। AI वॉइस असिस्टेंट, म्यूजिक कंट्रोल के यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नीचे से ऊपर स्वाइप करते यहाँ पर आपको पूरा मेन मेन्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो फायरबोल्ट रिंग प्लस के मेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी ट्रैकिंग, फोन कॉल, स्लीप, हार्ट रेट, SpO2, स्पोर्ट्स मोड, वेदर, मैसेज, कैमरा, टाइमर, रिलैक्स, अलार्म आप यहाँ पर आपके वॉच से सेट नहीं कर सकते, आपको टाइमिंग वगैरह जो है वो ऐप से ही एडजस्ट करना होगा। उसी के नीचे म्यूजिक प्लेयर, स्टॉप वॉच, फाइंड माय फोन, गेम्स और अदर्स में यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यूजर इंटरफेस की अगर बात करूँ तो क्लासिक UI हमें देखने को मिल जाता है, और टच रिस्पॉन्स का काफ़ी स्मूथ है, और एक बात और है यहाँ पर आपको वर्किंग क्राउन जो है वो देखने को मिल जाता है। अभी बात करते हैं इस वॉच के हाईलाइटिंग फीचर की, तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हेलो महेश, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए ना। क्लियर आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है। ओके, पक्का ना? पक्का पक्का। फायरबोल्ट रिंग प्लस से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके, चलो आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू, चलो बाय। बात करते हैं सेकंड हाईलाइटिंग फीचर की, तो यहाँ पर आपको AI वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको टॉक बैक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाउ इज द वेदर टुडे? It'll be sunny with a high of 33 and a low of 23. Currently it's 31 with smoke. बात करते हैं थर्ड हाईलाइटिंग फीचर की, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको म्यूजिक कंट्रोल के साथ साथ म्यूजिक प्लेबैक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब आप आपके ही वॉच के ऊपर म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो, तो इसका भी डेमो आप देख लो। All
अभी बात करते हैं फोर हाईलाइटेड फीचर की, मतलब इनबिल्ट गेम्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री इनबिल्ट गेम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पहला है 2048 का पजल गेम, सेकेंड है थंडर बैटलशिप, और थर्ड है फ्लाईबर्ड, मतलब हमारी माही भाई जैसे बोलते हैं चिड़िया उड़, वो वाला गेम हमें देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत टाइम पास आप आपके वॉच के ऊपर कर सकते हो। अभी बात करते हैं हेल्थ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपके हार्ट रेट मॉनिटरिंग की जाएगी, SPO2 मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, रिलैक्स मोड मतलब ब्रीथ मोड दिया गया है, साथ ही साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करूँ तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग में हमें ऑलमोस्ट सेम डाटा देखने को मिल रहा था, और SPO2 मॉनिटरिंग में तो डाटा ही मैच हो रहा था। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें हेल्थ की एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अभी बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की, तो यहाँ पर आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं, इन्हें ग्रुप्स में कैटेगराइज भी किया गया है। और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करूँ तो जब मैं 100 स्टेप चला तब यहाँ पर 104 का काउंट आया, और जब मैं 200 स्टेप चला तब यहाँ पर 206 का काउंट आया। मतलब यहाँ पर हमारी एक्टिविटी ट्रैकिंग भी काफी प्रॉपरली की जा रही है। अभी बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की, तो ये जो पूरी स्मार्ट वॉच है वो IP67 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट होने वाली है, मतलब ये स्प्लैश प्रूफ होने वाली है। हाँ थोड़ा सा ये भी बेटर हो सकता था, IP68 अगर मिल जाता तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अभी बात करते हैं दोस्तों बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने क्लेम नहीं किया है, लेकिन जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे आराम से 5 दिनों का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा था, और कॉलिंग वगैरह आप यूज़ करते हो तो आपको अराउंड 2 डेज का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वही हमें दाफिट नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, उसी के साथ इसे पेयरअप वगैरह कर लेना है, बाकी की सेटिंग्स वगैरह आपको उसी पर ही देखने को मिल जाएंगी। अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर, तो दोस्तों इसकी प्राइसिंग है 2499 रुपीज़, मतलब दोस्तों 2500 के प्राइस में यहाँ पर आपको सब कुछ दिया जा रहा है, बिगेस्ट डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, एक्यूरेसी बढ़िया है, स्पोर्ट्स की भी, हेल्थ की भी, और क्या चाहिए, इनबिल्ट गेम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट 2500 तक है तो आप डेफिनेटली इस वॉच के लिए जा सकते हो, और परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो बस दोस्तों यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, दिस इज अजय शिंदे ओवर एंड आउट।